क्विज सीरीज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय डिटेल विद फर्स्ट नेम। मीनिंग क्या हो गया कि अपने को फर्स्ट नेम दिया रहेगा, जिसे हम कहते हैं कि उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है जिसका नेम फर्स्ट नेम जॉन भी हो, बॉब हो, डेविड हो, इन जिस भी एम्प्लॉय का ये फर्स्ट नेम हो उसका रिकॉर्ड चाहिए। यहाँ पर को मल्टीपल फर्स्ट नेम मिल रहा है उसके बेसिस पे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को फेच करना है, ना कि एक सिंगल। ओके, तो देखिए अगर एक सिंगल यहाँ पर सिंपली यूज हमने ये क्वेरी किया, ये क्या काम कर रहा है कि पूरे के पूरे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेल, ये कह रहा है पूरे पूरे दे रहा है। बट अपने को अभी को सारा रिकॉर्ड चाहिए जिसकी फर्स्ट नेम क्या है, जॉन होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नेम। अब एक एम्प्लॉय होता तो सिंपली हम इक्वल लगा देते और यहाँ पर कॉमा कर देते और यहाँ पर जॉन पास करते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल एम्प्लॉय है, जॉन भी जिसका फर्स्ट नेम हो, बॉब, डेविड, इन तीनों को लाना है, तो यहाँ पर ये वाला काम तो नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या ऑपरेटर हम यूज करें जो सारे के सारे रिकॉर्ड को फेच करके ला कर दे। ओके, तो इसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर में क्या होता है, हम सारे नेम को हम पास करते हैं जिसकी अपनी रिकॉर्ड को चाहिए। ओके, तो सिंपली यहाँ पर इन पास कर देंगे, देन यहाँ पर हम यूज कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट सिंगल कोट के अंदर पास कर देंगे जॉन, बॉब, डेविड। हमने कहा कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर फर्स्ट नेम इन, मैंने कहा जिसका फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, जॉन हो, बॉब हो, डेविड, वो रिकॉर्ड अपने को चाहिए, वो सिंपली ये रिकॉर्ड लाकर फिच करके दे देगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसको को हिट किए और देखिए जिसका फर्स्ट नेम जॉन, बॉब एंड डेविड आ रहा है वो रिकॉर्ड अपने को यहाँ पर आ गया। तो जब भी कभी अपने को ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि उस एम्प्लॉय की सैलरी चाहे जिसकी सैलरी यहाँ पर ये हो उस रेंज को यहाँ पर पास कर देंगे नंबर, उन सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड चला आएगा। ओके, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि उस एम्प्लॉय के जैसे जिसकी डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अकाउंटेंट हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो और जितने भी डिपार्टमेंट हो पास कर देंगे तो सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चलेगा। तो जब भी कभी अपने को ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो कि मल्टीपल डाटा दिया गया उसके बेसिस पे अपने को रिकॉर्ड को फेच करना है, एक पर्टिकुलर कॉलम का मल्टीपल डाटा आपके पास है उसके बेसिस पे आपको रिकॉर्ड को फेच करना है, वहाँ पर हम इन ऑपरेटर को यूज करते। इन के अंदर हम सारे रिकॉर्ड को पास कर देते, बेस्ड ऑन डेट ये सारे रिकॉर्ड को फेच कर देते। तो आई होप आप ये पर्टिकुलर का सिनेरियो समझ पाएंगे कि कब आपको MySQL में इन ऑपरेटर का यूज करना है। जब भी आपके पास एक कॉलम का मल्टीपल डाटा है उन सिचुएशन में आप इनको यूज करेंगे। ओके,